नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आगरा शहर में आज बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार सोनी ने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि मैं आपका ध्यान विशेष मामले में 2019 के आगरा लोकसभा सीट आम चुनाव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आगरा लोकसभा क्षेत्र 18 का प्रत्याशी बनाया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल जी को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने अपने आप को उसमें अनुसूचित जाति वर्ग का बताया, जबकि उनके पिता के राजस्व अभिलेखों में वह धनगर पाल गडरिया जाति के संबंधित हैं। और स्वयं श्री बघेल साहब ने जब आगरा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाई तो अपने आपको OBC का बताया और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो सत्ता पक्ष होता है पूरी ताकत लगा देता है, अपने सत्ता की अपनी पूरी ताकत लगाता है कि व्यक्ति झुक जाए, लेकिन क्योंकि ये केवल मेरी मनोज सोनी की लड़ाई नहीं है, ये पूरा दलित समाज की और SC की लड़ाई है और पूरा दलित समाज इससे हाथ है, क्योंकि ये जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है दलित समाज को, जो संविधान में व्यवस्था है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो सीटें उसमें ये आगरा संसदीय क्षेत्र वो रिजर्व है, तो उसके आधार पे मतलब दूसरे व्यक्ति ने जो अपनी दावेदारी कर दी वो सांसद ही बन गया है, बस ये वाली बात है। आगरा से इमरान खान की। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।